और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास बड़ी खबरों से। झारखंड में अपनी जनसंख्या और सक्रियता की तुलना से सरकार समाज को राजनीति में वैसा प्रतिनिधित्व नहीं थी मिला जैसा कि मिलना चाहिए था। ये दर्द सरकार समाज के लोगों के मन में देखी व समझी जा सकती है, इसलिए जब भी मौका मिलता है तब सरकार समाज के लोग अपनी इस दर्द की मांग के रूप में मजबूती से रखते आ रहे हैं। पिछले दिनों झारखंड की राजधानी रांची में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री सह सांसद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के संगम लाल गुप्ता के सामने स्वर्णकार समाज की इस मांग को जोरदार तरीके से रखा गया। ज्ञात हो कि दो दिनों से झारखंड प्रवास पर पहुंचे संगम लाल गुप्ता ने रांची से लेकर देवघर तक लोगों से मिलकर भाजपा से ओबीसी और मजबूती से जुड़ने के लिए संभावनाएं तलाशी और लोगों से फीडबैक में लिया। रांची के स्वर्णकार समाज के प्रमुख और भाजपा ओबीसी मोर्चा के रांची महानगर जिला अध्यक्ष गोपाल सोनी ने अपने समर्थकों के साथ हवाई अड्डे पर पहुंचकर ढोल नगाड़े के साथ संगम लाल गुप्ता का भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात गोपाल सोनी ने सांसद संगम लाल गुप्ता के सामने स्वर्णकार समाज के भाजपा संगठन में समुचित प्रतिनिधित्व देने की मांग को उठाया। खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।